3D इमेज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये 3D विजुलाइज यहाँ पे हो रहा है। आप देख, मैं इस पीसीबी को जैसे नीचे रखता हूँ तो आप खुद देखिए कि कितना बड़ा इसका एरिया है, डिग्री का यहाँ पर सेल्सियस का टेम्परेचर सेट किया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने 30 का कर दिया, ठीक है, 35 का कर दिया सपोज, ठीक है, आपने देखे 40 डिग्री सेल्सियस में आपने कलर डाला है, आप इसको अप डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर नाम भी लिख सकते हैं और ये फोटो को बाद में हम अपने फेसबुक में या कहीं पे भी हम यहाँ पर आप अपना रैपिड डायग्नोस्टिक मोड, आप जहां पर आपको लगता है कि मुझे सिर्फ उस एरिया में ढूंढना है तो आप उस एरिया में। सो हाय, गुड इवनिंग, कैसे आप सब लोग, मैं देवतन अग्रवाल। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलेगा और आपका तो फायदा भी होगा। आओ पहले एक भाई साहब की सुन लें, वो क्या कह रहे हैं। माइक्रोस्कोप है, SMD है, सब है, पर वो एक थर्मल कैमरा लेना चाहते हैं और परेशान है, उनकी कुछ इंक्वायरी है, आओ उनको सुन लेते हैं। हाँ भाई बोलिए भाई साहब, क्या कहना चाहते हैं आप। मुझे एक बेस्ट थर्मल कैमरा लेना है जो मुझे आईफोन और एंड्रॉइड दोनों में काम आए और साथ में माइनर लीकेज को फाइंड करे। ओके, आपको एक थर्मल कैमरा लेना है जो आईफोन एंड्रॉइड दोनों में चले, ओके, और जो माइनर लीकेज को ढूंढ सके, ठीक है, चलो ये बात याद रखते हैं। दूसरी और कोई बात कहनी है क्या आपको? तो 3D इमेज भी और मोबाइल और पीसी में भी चले, साथ में वीडियो रिकॉर्ड भी कर सके और स्मॉल कंपोनेंट्स को फाइंड कर सके। ए भाई, तेरे को भगवान चाहिए क्या? भगवान नहीं मिलते आज की डेट में, लोग उनको भी गाली बक रहे हैं। नहीं यार, प्रॉब्लम ये है, 3D इमेज भी चाहिए और आपने बोला कि वीडियो रिकॉर्डिंग भी होना चाहिए, ठीक है, और साथ में मोबाइल में भी चले, ओके, देखते हैं, मतलब इतनी सारी डिमांड। मूवेबल हो और सबसे अच्छी बात मार्केट में सबसे सस्ता हो। इनको मर्सिडीज चाहिए मारुति के दाम पर, क्या बोलते हो? आपकी भी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है क्या? आपको भी कुछ ऐसा प्रोडक्ट चाहिए क्या? आपकी भी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपको भी कुछ ऐसा प्रोडक्ट चाहिए? तो चलो कोई नहीं, आपकी भी रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हैं क्योंकि मलिक ZX मलिक टीम आपके लिए लेके आई है। अरे कहाँ गया ए, ओ, उल्टा पकड़ा। हाँ, ZX मलिक टीम आपके लिए लेके आई है एक बेस्ट 3D इमेज एनालाइजर, एक थर्मल कैमरा, जो कि बहुत ही कम बजट वाले स्टूडेंट के लिए हैं, जो जिन्होंने नई नई दुकान खड़ी की है, जिनको थर्मल कैमरा ढूंढ रहे हैं और इस थर्मल कैमरा को परचेस करना चाहते हैं। देखो प्राइस मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि बाकी मार्केट इफेक्ट करेगा। आपको प्राइस जानना है तो पहले पूरा वीडियो देख लो अच्छे से, ये कैसे काम करता है मोबाइल में पीसी में, क्योंकि यार देखो इंक्वायरी बहुत बड़ी बड़ी मिली है, पूरा करना अब तो मेरा फ़र्ज बनता है। मैं आपको पूरी इंक्वायरी आपको शो करके आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ क्योंकि आपको पता भी तो चलना चाहिए भाई, देवोत्तम अग्रवाल के चैनल पर, एजर टेलीकॉम के चैनल पे आपको क्या समझ में आता है क्या नहीं। देखिए इस थर्मल कैमरा को अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो नीचे ZX मलिक सर का नंबर है, इंक्वायरी वहाँ पे लीजिए, उनसे पूछिए प्राइस। मैं इसका प्राइस ओपन नहीं करूँगा पर इतना कह रहा हूँ इंडिया में सबसे सस्ता है। सबसे पहले आओ उस प्रोडक्ट को एनालाइज करते हैं बॉक्स के थ्रू। मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास में इंडिया के अंदर जितने भी थर्मल कैमरे हैं आई गेस मैं सारे यूज़ कर रहा हूँ, एक आध दो ही होगा जो मिस हो गए होंगे मुझसे और जो मुझ तक नहीं आए होंगे, बट मैं आपको तो पता है आई एम अ टूल लवर और नई नई टूल्स होते हैं मेरे पास। अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करेंगे तो इस प्रोडक्ट में हमें क्या देखने को मिलेगा, तो आप देख सकते हैं फ्लेक्सिबल एडजस्टमेंट ऑप्शनल माइक्रो लेंस। सबसे अच्छी बात है इस प्रोडक्ट के साथ, जैसे कि उसने कहा कि स्मॉल कंपोनेंट देखना उसको ज़रूरत है, मतलब जो क्या होता है ना थर्मल इमेज एक इमेज बनाती है पर स्मॉल कंपोनेंट को नहीं देख पाती है क्योंकि रजिस्टर्स होते हैं, कैपेसिटर्स होते हैं, छोटे छोटे मॉसफेट होते हैं, उनको नहीं देख पाती है। तो भैया इसके साथ एक माइक्रो लेंस अलग से आता है, वो माइक्रो लेंस लगाने पर आप वो स्मॉल कंपोनेंट को देखेंगे और वो मेरे ख्याल से ऐसा वर्ल्ड फर्स्ट कैमरा है ये, मैं कह सकता हूँ, जिसके साथ में माइक्रो लेंस अलग से आता है। क्योंकि अब तक जितने भी कैमरे लेंस आपने देख रहे होंगे, माइक्रो कैमरे भी मैंने आपके वर्ल्ड फर्स्ट माइक्रो कैमरा मैंने आपको दिया, देखो माइक्रो कैमरा एक अलग बात हो गई पर माइक्रो लेंस मतलब आप कहते हैं ना कि आप माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं क्योंकि वो आपकी पीसीबी को जूम करके दिखाता है और फिर जूम करता है जब आप स्क्रॉलिंग करते हैं। सो वैसे ही ये इसके साथ एक अलग से लेंस आता है माइक्रो लेंस, जो आपको काफ़ी मैं आपको बता रहा हूँ सीरियसली, ऐसा आपको कहीं दूसरे कैमरे में देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड्रॉयड और विंडो दोनों में चलने वाला है, डिडक्शन यहाँ पर क्विक होने वाला है
और यहाँ पर क्विक लोकेशन ऑफ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट इन करंट लीकेज, काफ़ी इसके अंदर टेक्नोलॉजी यहाँ पर डाली गई है। पहले हमें थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा कि बॉक्स में बेसिकली उन्होंने कितनी डिटेलिंग डाली, क्योंकि उससे पता चलता है कि कंपनी ने किस तरह से काम किया। इन्फ्रारेड थर्मल इमेज, ऑप्शनल माइक्रोलेंस, माइक्रोलेंस है वो ऑप्शनल है पर बेसिकली आपको इसके साथ मिलेगा। समहाउ मेरे को इसमें नहीं मिला है, फिर भी चलो देखते हैं। थर्मल इमेज प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर, ऑपरेशन मैनुअल, टाइप सी, दो आपको टाइप सी की केबल मिलती है, एक एंड्रॉयड के लिए और एक पीसी कनेक्शन के लिए। कुछ अलग अलग टाइप के यहाँ पे इमेजेस को बताया गया है और 3D इमेजेस यहाँ पर बनेगी। 256x192 अल्ट्रा हाई रिजोल्यूशन आपको यहाँ पर देखना है, हाई टेम्परेचर। अच्छा, ये भी मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि एक अलार्म है इसके अंदर, मतलब आप देखें अगर आपको लगता है कि आपका 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाना चाहिए तो आपने एक अलार्म सेट कर सकते हैं जिसके बाद ये अलार्म भी बजाता है। चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, आखिर इसमें अनबॉक्सिंग में ज़्यादा कुछ है नहीं, बट इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और इस कैमरे को आपको दिखाते हैं और इसके फीचर्स भी दिखाते हैं, सब कुछ इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा, छोड़ के मत जाइएगा। चलिए ये देखिए, ये आपका बॉक्स है जो आपको मिलेगा जब आप इस बॉक्स को ओपन करेंगे। तो कुछ इस तरह का आपको पैकिंग मिलेगा, एक सॉफ्ट पैकिंग हम इसको बोल सकते हैं, और बॉक्स के अंदर कुछ इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी। एक आपको टाइप सी केबल मिलेगी, टाइप सी टू USB-A जो आप PC में कनेक्ट करेंगे, और एक आपको टाइप सी टू टाइप सी मिलेगी जिसे आप एंड्रॉयड फ़ोन में कनेक्ट करेंगे, और एक सॉफ्टवेयर के लिए आपको USB ये मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके बारे में बता नहीं सकता, मे भी मिलेगा आपको इसके साथ, मुझे मिला है तो मे भी आपको भी मिलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर प्रोग्राम आपका पहले से आपका .exe और .apk होगा जिससे आप इसको इंस्टॉल करेंगे, और ये आपका मेन डिवाइस, और उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। और आपको इसको उठाना है इस तरीके से, बेसिकली ये जो है ये एक मोबाइल होल्डर की जैसे है, यहाँ पर आप मोबाइल को आप रख भी सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का कुछ आपके आपको ये मिलने वाला है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक पावर बटन देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर आपको एक पावर बटन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको टाइप सी देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें वजन में तो काफ़ी हल्का है, मेरे को नहीं लगता इसका वजन काफ़ी कम होने वाला है। इसके स्पेसिफिकेशन में आपको इसके आगे बताऊँगा। यहाँ से हम इसको स्लाइड कर सकते हैं अप डाउन, जिससे आप इसका लेंथ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आप इसको आपके जो माइक्रो लेंस आएगा आप उसको यहाँ पर लगा सकते हैं, ये मेन कैमरा है। इसके अलावा इसका कोई भी बटन नहीं है, अलग से इसको पावर देने की ज़रूरत नहीं है। आइए तो सबसे पहले हम इसको यूज़ करें एंड्रॉयड के अंदर, फिर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से इसको PCB में चलाना है। तो आपको अगर इस कैमरे को आपके एंड्रॉयड फ़ोन में चलाना है तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ये एप्लीकेशन आपके इस पेन ड्राइव में होगी जो कि मैं आपको अभी एक PC में कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ये एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करेंगे जब आप इसको, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको थर्मल इमेज करके यहाँ मिलेगा, और इस तरह की कुछ इसकी एप्लीकेशन होने वाली है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, आपको एप्लीकेशन डालने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको थोड़ा सा क्लियर अगर पढ़ेंगे तो, कि जैसे आप इसको केबल लगाएं तो आपका OTG इनेबल होना चाहिए। इसमें अलग से OTG लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका फ़ोन टाइप सी है तो, अगर आपका फ़ोन टाइप सी नहीं है तो आपको OTG लगाना पड़ेगा टाइप सी के लिए। अब आपको केबल का यूज़ करना पड़ेगा। इस केबल को आपको यहाँ प्लगिंग करना है, सिर्फ और कहीं नहीं, मतलब आप देख सकते हैं कि यही आपका पावर सोर्स बन जाएगा। अब आपको इसको आपके मोबाइल में लगाना है। मोबाइल में लगाते ही ये चालू नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपके इसके ऊपर जो एक बटन है आपको इस बटन को प्रेस करना है। जैसे ही बटन को प्रेस करते हैं तो ये लाइट जैसा जल जाता है और फिर आपको आपकी थर्मल इमेज दिखना चालू हो जाएंगी। तो लगभग 5 से 6 सेकेंड के बाद ये थर्मल इमेज दिखाना चालू कर देता है। अब जैसे मान के चलिए मेरे पास ये PCB है, मैं इस PCB को जैसे नीचे रखता हूँ तो आप खुद देखिए कि कितना बड़ा इसका एरिया है, तो और इसने कितना आप कितना ज़्यादा इतने एरिया कवर किया है। जनरली थर्मल कैमरे में क्या होता है कि PCB रखने पर PCB का पूरा एरिया नहीं आता है, और ख़ास तौर पे अगर हम आईफोन की भी बात करें, अभी देखिए ये देखिए आईफोन भी देखिए तो आप देखिए पूरा आपको यहाँ पर मिल गया है। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, इसके सारे फंक्शन तो आप बहुत इजीली समझ जाएंगे, मैं आपको PC के फंक्शन समझा दूंगा।
इसमें जो बेस्ट है वो है ये टेम्परेचर कंट्रोल, टेम्परेचर अलार्म। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने 40 डिग्री का यहाँ पर सेल्सियस का टेम्परेचर सेट किया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने 30 का कर दिया, ठीक है 35 का कर दिया सपोज, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी 35 डिग्री, क्योंकि मेरे कैमरे का टेम्परेचर ही इतना ले रहा है, और इसके साथ में पीसीबी पर भी अभी आप देख सकते हैं कुछ 37 डिग्री दिखा रहा है। पर अगर मैं इसको मैं रोक भी सकता हूँ, ये रुक गया। अब अगर मैं इसको 40 कर देता हूँ, देखिए, तो देखिए अभी अलार्म नहीं है। जैसे ही मैं इसके पावर बटन दबाऊंगा या इसके बी बैट पर या इसके बी पी एच पर या इसके VDD पर या VDD बूस्ट या जो भी मेरा जहाँ भी मुझे वोल्टेज जो सोर्सेस हैं वो पूरा करने पड़ेंगे, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में जैसे ही मैं इस पर कुछ वोल्टेज दूंगा और ये अलार्म देने लग जाएगा, तो इससे पता चलेगा कि मेरा जो टेम्परेचर है वो वहाँ तक पहुँच गया है। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है, अभी अलार्म नहीं दे रहा। आई गेस आप समझ गए। यहाँ से आप इसके फ़ोटोज़ पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से आप इसकी रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं ये रिकॉर्डिंग करना चालू कर दिया है, काफ़ी हद तक। अब जैसे ये देखिए मैंने दूसरी पीसीबी रखी, नया अलार्म बजा दिया, क्योंकि उस पीसीबी के अंदर जो हीटिंग है वो थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर आ रही है। खैर, यहाँ पे आप अपने कलर चेंज कर सकते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ है। ये आपका इसको टेम्परेचर ट्रैकिंग कहते हैं। यहाँ पे आपको जो भी एसएस टेम्परेचर है वो आपको केवल जो टेम्परेचर है वो आपको बताएंगे कि देखो तीन टेम्परेचर यहाँ पर आपको बन रहे हैं, और जो सबसे ज़्यादा एसएस है वो रेड कलर में बन रहा है, जो कि 40 point something डिग्री सेल्सियस, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ठीक है। तो इसके अलावा आप इसको फ्लिप कर सकते हैं, यहाँ पर आप चाहें जैसे आपने देखे 40 डिग्री सेल्सियस में आपने कलर डाला है, आप इसको अप डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, अभी आप देख सकते हैं तो इसका कलर चला गया, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी सेट करके रखा है कि 41 और 42 पे ही कलर आए। तो ये भी हम देख सकते हैं कि अगर कोई लीकेज आता है तो सिर्फ इतने पर ही कलर होना चाहिए, अदरवाइज नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो एडजस्टमेंट है वो मैंने अभी तक किसी और थर्मल कैमरे में नहीं देखी है। यहाँ पर गैलरी है, यहाँ से क्लिक करके हम इसका वीडियो चेक कर सकते हैं। इवन हम चाहें तो इस पर हम राइड भी कर सकते हैं, और इस पर हम नोट भी कर सकते हैं कि देखो ये हमारा यहाँ पर शॉट मिला है हमको, तो ये भी हम नोट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम अपना नाम लिख सकते हैं कि भैया हमें यहाँ पर नाम लिखना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ ZX स्पेस मलिक, ठीक है। तो हम यहाँ पर नाम भी लिख सकते हैं, और ये फ़ोटो को बाद में हम अपने फेसबुक में या कहीं पे भी हम इसको अपने स्टूडेंट को दिखा सकते हैं, या अपने दुकानदार या अपने जो कस्टमर है हम उसको दिखा सकते हैं कि देखो भैया यहाँ पर शॉटिंग मिली है आपको। तो आई होप कि आपको ये यहाँ पर समझ में आया हो, और ये मेरे को काफ़ी बेस्ट लगा। तो आइए चलते हैं इसके अब पीसी वर्जन पे। तो ये जो यहाँ पर मैंने इसको देखा तो ये काफ़ी अच्छा है एंड्रॉयड में, ये इमीडिएटली यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं बिना कोई पावर सोर्स के। आप खुद देख लीजिए, मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ से यहाँ पर इसको कनेक्ट किया है और मेरा थर्मल इमेज आ गया है। मतलब आपको इसको अलग से पावर देने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो इसको मूवेबल भी कर सकते हो, आप इसको कहीं से कहीं ले जा सकते हो, किसी भी दुकान के पास में रख सकते हो, किसी कस्टमर को दिखाना है तो दिखा सकते हो। मतलब आप देख सकते हो कि खुद आप कितने सारे एडजस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हो। तो चलो अब हमें करना क्या है, मूवेबल थर्मल कैमरे को एक यूएसबी केबल से लगाना है, हल्का है, आप चाहो तो इसको हमने गाड़ी में चलते चलते आप ये सीखे सकते हो, या ठीक है आप एक ऐसी जगह आप पीसीबी वाले हो, आपको पीसीबी बेचते हो अपने सॉफ्टवेयर पर, पीसीबी जो बेचते हैं आपको बेसिकली उनके लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि उनको पता चल जाता है यूएसबी से मिलेगा कौन सी नहीं है, सॉफ्टवेयर को जाना है उसको अपने सॉफ्टवेयर को दाम पे बेच सकते हैं ओपन करना। ज्यादातर मैंने देखा पीसीबी बेचने वालों को ज्यादा नॉलेज नहीं होता है आपको इसको, पर आपको पीसीबी इंस्टॉल करना हो तो भी आप क्योंकि ऑलरेडी परचेस कर सकते हैं, क्योंकि वो पीसीबी का भी यहां से तो बिजनेस करते हैं, पूछ रहा है क्या हम इसको अनइंस्टॉल करके अच्छे दाम पे आपको मिलते या मिल जाती है, वो भले आपकी कोई सी पीसी हो या एंड्रॉइड हो या आईफोन हो अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर ही देता हूं, ठीक है कोई दिक्कत। चलो ठीक है, अब हम इसका पीसी का देखते हैं। तो देखिए ये कैसे फिर से अब इंस्टॉल हो जाएगा। अब
ये मेरे से प्रोग्राम पाथ मांग रहा है, मैं दे देता हूँ। तो कुछ इस तरह से ये इंस्टॉलेशन होगा, तो ये कंप्लीट वीडियो होने वाला है, इसलिए मैंने कहा कि पूरा देखिएगा, नहीं तो आप फिर इंस्टॉलेशन में फंसेंगे, बहुत सारी चीज़ में हो सकता है आप फंसे। जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो बीच में ये ड्राइवर मांगेगा, आपने ड्राइवर करना है, तो ये तीन बार ड्राइवर मांगता है, तो देखिए दूसरी बार, फिर एक और बार मांगेगा, ये देखिए तीसरी बार। आपने ये नहीं सोचना कि एक ही ड्राइवर बार बार है, वो एक्चुअली तीन अलग अलग ड्राइवर हैं। आपने अगर एक ड्राइवर को भी कैंसिल करेंगे तो मे बी हो सकता है कि आपका इंस्टॉलेशन होने के बाद भी आपका कैमरा कनेक्ट ना करे। सो इंस्टॉलेशन पूरा हो जाने के बाद आपको एक आइकन बन के आ जाएगा डेस्कटॉप पर, आप इसको यहाँ से भी रन कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का यहाँ पर पहला इंटरफेस दिखाई दे रहा है। आपने करना क्या है, CA09B ना चुन के आपको D सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने ओके करना है। सो ये दिमाग में रखिएगा, अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप हो सकता है कि आपका कैमरा कनेक्ट ना हो। अगर आपको कैमरा यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कैमरा कनेक्टेड दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ पर ऊपर जो स्विच है यहाँ पर आपको बी की जगह डी कर देना, और कुछ नहीं करना है, इसको स्टैंडर्ड ही रहने देना है, और आपको इसको ओके करना है। अब आप अपनी पीसीबी को नीचे रखेंगे तो आपको यहाँ पर इमेज दिखाई देगी, आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर स्पॉट पे कर सकते हैं, आप मतलब इसको अलग अलग मोड पे, ये टेम्परेचर मेजरमेंट है, ठीक है, यहाँ पर आप ये टेम्परेचर मेजरमेंट, ये पूरे टेम्परेचर मोड है, इसको हाई टेम्परेचर आप ट्रैकिंग पे रख सकते हैं, या ये अलार्म यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे अलार्म सेट है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एंड्रॉयड में बताया था। यहाँ पर आप अपना रैपिड डायग्नोस्टिक मोड, आप जहाँ पर आपको लगता है कि मुझे सिर्फ उस एरिया में ढूंढना है तो आप उस एरिया में भी ढूंढ सकते हैं, बाकी उस एरिया में बेसिकली आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, तो जो भी हीटिंग होगी उसी एरिया के अंदर ही अगर होगी तो दिखाई देगा। तो आप इसको अपना अलग से एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि सबसे बेस्ट पार्ट लगा मुझे अब तक, क्योंकि मैंने अभी तक ये किसी भी थर्मल कैमरे में नहीं देखा था। प्लस ये 3D इमेज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये 3D विजुलाइज यहाँ पे हो रहा है। आप देखो यहाँ पर ये जो एक तरह की एक येलो कलर की जो आपको लाइन है वो कितनी ऊपर तक दिखाई दे, तो ये दिखाई दे रही है कि ये कितना ज़्यादा जा रहा है। तो इससे आप एज्यूम कर सकते हैं कि किस एरिया में ये पहाड़ जैसा एक लाइन बन रही है, तो ये पहाड़ जैसी लाइन आपकी हिटिंग है। ये काफ़ी एक नेक्स्ट लेवल पे मुझे लगा, ये कंपैरिजन है, आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं बेसिकली। तो बेसिकली और ये एनालाइज, यहाँ ये एक एनालाइज मोड है, ठीक है। तो कुछ इतने मोड आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ पर ट्यूटोरियल आपको दिया हुआ है, आप यहाँ से इसको पढ़ भी सकते हैं बेसिकली कि यहाँ पर क्या आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो जैसे कि मैं इसके नॉर्मल आपको स्पेसिफिकेशन कुछ बताना चाहूँगा, जैसे रिजोल्यूशन, जैसे कि 256x192, फ्रेम रेट इसका 25 हर्ट्स है, टेम्परेचर मेजरमेंट 600 डिग्री सेल्सियस तक, और फ़ारेनहाइट में देखे जाए तो 1000 के ऊपर है। लेंस व्यू जो लेंस का जो फील्ड व्यू है टोटल, वो आपको 56x42 मिलने वाला है। टेम्परेचर मेजरमेंट डिस्टेंस आप देख सकते हैं 150 mm तक होने वाला है, और डिवाइस इंटरफेस आपको USB मिलने वाला है। जो स्टोरेज इमेज टाइप है वो JPG है, और वीडियो इमेज टाइप MP4 है। इनपुट वोल्टेज 5 वोल्टेज है, कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर ये मिलने वाला है। इसके साथ में यहाँ पर आपको सारी चीज़ दिए, देखो यहाँ पर भी उन्होंने डी बताया है कि आपको डी सेलेक्ट करना है, और यहाँ से आप इसको चाहें तो और पढ़ सकते हैं। टेक्निकली आप इसको पढ़ के आगे भी समझ सकते हैं, और आगे समझ सकते हैं साथ में सॉफ्टवेयर पर और अच्छे से काम कर सकते हैं। यहाँ पर कैमरे का सील नंबर आपको दिखाई देगा। अब अगर आप देखें तो बोर्ड का कितना बड़ा व्यू यहाँ पर मिलता है, आप देखें कि मैंने पूरा आईफोन यहाँ पर लगा के रखा हुआ है, और बोर्ड का अच्छा खासा यहाँ पर व्यू मुझे मिल रहा है। तो यार ये काफ़ी एक इनोवेटिव चीज़ मुझे लगी, जो कि अब तक मैंने किसी थर्मल कैमरे में ये नहीं देखी थी। अब आने वाले वीडियो में मैं इस पर एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं शॉटिंग भी निकाल के आपको दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल मैंने ये वीडियो आपके सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग पर्पस पर बनाया है,
और सॉर्टिंग पर्पस पे वीडियो नहीं बना है क्योंकि फिलहाल मेरे पास सॉर्टिंग का कोई भी केस स्टडी नहीं है, और देखते हैं कि आपको आने वाले मेरे चैनल पे इसके बहुत सारे वीडियो मिलने वाले हैं, और जो भी मेरा अब नेक्स्ट शॉर्टिंग वीडियो होने वाला है जो कि मैं नहीं डालता हूँ वो मैं डालूंगा जस्ट बिकॉज कि आपको ये थर्मल कैमरे के बारे में और स्पेसिफिकेशन दे सकूँ। नंबर नीचे दे दिया है, आप जाइए उनसे परचेस कीजिए, उनसे खरीदिए और इसकी डिटेलिंग वीडियो और आपको मिल जाएगी। ये कैमरा नहीं भाई, इसके अंदर बहुत टेक्निकल चीज़ है, इसको हैंडल करना भी आसान नहीं है। ये आपके एंड्रॉयड फ़ोन में भी चल रहा है और आपके साथ पीसी में भी चल रहा है, और कोई एक्स्ट्रा पावर सोर्सेस नहीं चाहिए। काफ़ी लाइट वेट है, हल्का सा एक है, और इसके साथ इसके अंदर इतना सब कुछ है कि वीडियो पूरा हो जाए, कि इतना लंबा वीडियो बन सकता है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि अब मैं इसके छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो डालूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि भाई इसमें और क्या खास है। मिलते हैं किसी नए वीडियो पे, और मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो पे। मैं तो वो कहूँगा कि मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे कि इसमें और क्या खास है। ये कैमरा हो सकता है कि मेरा लंबा साथी बन जाए, आपका भी ये कैमरा साथी बन सकता है। इसको अपना बनाने के लिए मलिक सर से कॉन्टेक्ट कीजिए और इसका प्राइस पूछिए, उसका प्राइस सबसे कम है आई गेस। और ये इसके साथ जो माइक्रो लेंस है सिर्फ उसकी कमी है, और क्योंकि मुझे माइक्रो लेंस नहीं मिला क्योंकि मलिक सर अभी चाइना से अपने साथ एक पीस लेके आए थे, अभी उनके पास उनका जो पार्सल है, उनके जो कूरियर हैं बाय से उनके पास, उनके बहुत जल्द उनको पहुंचने वाले हैं, तो उसमें आपको ये अलग से एक माइक्रो लेंस भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए थैंक्स, और इसी तरीके से सब्सक्राइब और प्यार देते रहना। थैंक यू वेरी मच, इसी तरह से लाइव और प्यार देते रहना। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो, क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीपीओ निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीओ निकालने वाले हैं?